जय आरसीएम साथियों, गुड डॉट की तरफ से आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग घर में हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और पूरी तरह अपना ध्यान रख रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। फिलहाल पूरा विश्व अभी एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिस वजह से ये जो समय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो कारण है इसके पीछे, क्यों ये महामारी इस दुनिया में आई है, क्यों हमें इतनी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो उसका एकमात्र कारण ये है कि जो प्रकृति को हमने नुकसान पहुंचाया है उस वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो खास तौर पे इस पे रहेगा कि कैसे हमने इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। हम सब लोग, मैंने, हमारी पूरी टीम ने आपको बहुत बार बताया है कि कैसे मीट खाने से हमें नुकसान हुआ है, आज तक हमारी हेल्थ को नुकसान होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है मीट खाने से और इनडायरेक्टली वो कैसे हमें अफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर से मैं आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम चाहत समोता है, गुड डॉट के लिए मैं मार्केटिंग को हेड करता हूँ। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग तैयार हैं पूरी तरह से। हम जानेंगे कि कैसे मीट इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आने वाला है और किस तरह गुड डॉट के प्रोडक्ट्स ही एकमात्र विकल्प है इस चीज से बचने के लिए, और कैसे अनेक प्रकार से हर प्रोडक्ट की स्पेशलाइज मैं आपको मार्केटिंग स्किल्स आज बताने जा रहा हूँ। तो आप जितने भी यहाँ साथी है पूरे ध्यान से इस सेशन को सुनिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इस सेशन से मिलने वाली है। तो प्रेजेंटेशन की मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे। एक बार अगर आपको मेरी साउंड या साउंड और वीडियो बराबर आ रहा है प्रेजेंटेशन, तो एक बार आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं ताकि उसका कंफर्मेशन मुझे मिल जाए। ठीक है, आवाज सबको आ रही है। तो अगर मैं शुरुआत करूं कि मीट कंजप्शन जो है वो कैसे हमारे लिए, सबसे छोटा सा ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा क्यों हमें मीट नहीं खाना चाहिए था और क्यों हम खाते आ रहे थे। हम खाते क्यों आ रहे थे इसकी गहराई में हम जाएंगे, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब हम चिंपैंजी थे, यानी कि जब हम बंदर थे, आज से लगभग 2.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 2.6 बिलियन सालों पहले जब हम बंदर हुआ करते थे तब हमने मीट खाना चालू किया। उस वक्त हमारा मीट खाने के पीछे जो कारण थे प्रमुख तौर पे वो ये था, एक कारण ये था कि हम उस वक्त, हमें पता नहीं था कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। दूसरा कारण ये था कि हमें नहीं पता था कि किस खाने से हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा प्रोटीन मिलेगा या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और हमें ये नहीं पता था कि खाने को पकाया कैसे जाता है। हमने सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को मीट खाते हुए देखा, इस वजह से हमने मीट खाना चालू किया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा बनता चला गया। और आज हर आदमी, वर्ल्ड की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो नॉन वेजिटेरियन है, इंडिया की बात करूं तो 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन पहला प्रश्न ये आता है, आर ह्यूमन सपोज टू ईट मीट, क्या इंसानों को मीट खानी चाहिए? ये सबसे पहला और प्रमुख प्रश्न है हमारे बीच में। तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड है जो बताती है कि जो हमारे दांत है, हमारे टीथ है, और एक जो शेर के जो दांत होते हैं जो पूरी तरह मांसाहारी होता है, उनके दांतों में मूल्य तो क्या फर्क है। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे दांत एकदम नॉर्मल होते हैं, एक ही लेंथ के होते हैं, वहीं अगर मैं बात करूं शेर के जो पूरी तरह मांसाहारी होता है उसके दांत तीखे होते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, अब अगर प्रकृति ने कुछ बनाया है तो बेशक कुछ सोच समझ के बनाया होगा, ये चीज को हमको समझना होगा। इसीलिए क्योंकि उसे मांस खाना पड़ता है, वो कच्चा मांस खाता है, हमें तो पका के खाना पड़ता है, हमारे दांत कच्चा मांस तो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। और जहां पे शेर जो एक मांसाहारी जानवर है वो कच्चा मांस खाता है, तो उसे उसके जो दांत है वो तीखोने और बहुत ही शार्प होने जरूरी है। यही कारण है कि भगवान ने जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, जितने भी इस दुनिया में है, सबके दांत उन्होंने तीखोने दिए हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें इंसानों के दांत पूरी तरह एक लेंथ के होते हैं,
क्योंकि हमें हमारी बॉडी पेड़ पौधों से जो हमें फल फूल मिलते हैं, फल पौधे सब्जियां मिलती है, उस खाने के लिए बनाया है और उन्हें हमें ज्यादा चबाना नहीं पड़ता है। तो ये जो हमने जब रिसर्च की तो मूल कारण हमें दिखा कि ये डिफरेंस है एक शाकाहारी होने में एक मांसाहारी होने में। उसके बाद हमने और डिटेल में जानने की कोशिश की कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन जानवरों से जो सिर्फ मांस खाते हैं वो किस प्रकार से अलग है। तो एक साइड आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, और दूसरी तरफ शेर का पाचन तंत्र है। और जो इंसानों का पाचन तंत्र है हमें ये जान के आश्चर्य हुआ कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो जानवरों के मुकाबले बड़ा है, मतलब लंबा है। अगर उसका हम लेंथ गिने, हमारा स्टोमक से लेके इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन से लेके एनस तक, तो बहुत ही बड़ा है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पे खाने को गुजरने में बहुत वक्त लगता है, मतलब हमारे खाने के बाद हमारे बॉडी से निकलने में उसे ज्यादा वक्त लगता है। और यही कारण है अगर हम मीट खाते हैं तो मीट को पचने में 8 दिन तक लग सकते हैं, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र लंबा है। और दूसरी ओर मैं बात करूं तो शेर का जो पाचन तंत्र है वो बहुत छोटा है इंसानों के मुकाबले। यही कारण है कि जो मीट है उसकी बॉडी से जल्दी पास हो जाता है और जल्दी पच जाता है। ये तभी पॉसिबल है जब उसकी जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जो हमारे को पेनक्रियास से मिलता है, लीवर से मिलता है, जितने भी एसिड्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं जानवरों में जो लोग मीट खाते हैं। अब आप सोचिए क्यों पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी रॉ मीट को भी पचाने की क्षमता रखती है। आप सोचिए हम आज एक आप लोग क्या कच्चा किसी भी मीट को खा सकते हैं, हमारे नामुमकिन है उसको खाना और हमें उसका टेस्ट भी पसंद नहीं आएगा। तो यही कारण है कि शेर की बॉडी जो एक कच्चे मीट को भी पचा सकती है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस लगते हैं जो इंसानों में नहीं पाए जाते। यही कारण है कि 8 दिन तक वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है और हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो लंबा हमारा पाचन तंत्र है, यही कारण है कि हमारी बॉडी खाने के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स निकाल सकती है। जो फाइबर हमारे खाने के अंदर होता है या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लंबे प्रोसेस की वजह से वो धीरे धीरे टूटते हैं और हमारी बॉडी के जूसेस जितना भी न्यूट्रिशन हमारे खाने से निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम मीट खाते हैं तो आपको पता है मीट में मात्र कोलेस्टीन, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रोटीन भी जो दिया जाता है वो इंजेक्टेड प्रोटीन है, वो उनके ऊपर डाला जाता है, वो वाला प्रोटीन उसके अंदर पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरह सहायक साबित नहीं हो सकता। तो ये जो दोनों मूल कारण है इससे हमें ये पता चल गया है कि हमारी बॉडी खाने के लिए बनी ही नहीं है, फिर भी हम खाते हैं। उसका कारण ये है कि हमने शुरू से हम खाते आ रहे हैं, हमने जानवरों को देखा है, लेकिन हमारी बॉडी इसके लिए नहीं बनी है। इसका प्रमाण मैंने आज आपको दे दिया है। और उससे क्या नुकसान है इसके बारे में हमने बहुत बार बातें की है कि मीट खाने से आपको क्या क्या बीमारी होती है, आगे भी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है, और अगर प्रकृति को नुकसान होता है मीट खाने से, हमारे मीट खाने से, तो इनडायरेक्टली वो हमें अफेक्ट करेगा, किसी ना किसी तरीके से वो हमें अफेक्ट करेगा। यही कारण है कि आज हम इस सिचुएशन में है कि प्रकृति को जो हमने नुकसान पहुंचाया है उसी कारण आज पॉल्यूशन, मीट खाने के अलावा जो पॉल्यूशन हमने किया है, हमने पेड़ पौधों को काटा है, हमने जानवरों को मारा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा है। और यही कारण है कि प्रकृति उन चीजों का जवाब देती है किसी न किसी तरीके से, और मीट खाने से प्रकृति को बहुत ही भयंकर नुकसान होता है। आप देखिए ये एक स्लाइड है जहां लिखा है मीट प्रोडक्शन रिक्वायर्स दिस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि मीट बनाने में कितना वाटर यूज होता है और एक जो सब्जियां हम खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, उसमें कितना वाटर यूज होता है। तो आप देखेंगे ये पाउंड में दी गई क्वांटिटी है, 1 पाउंड यानी कि 450 ग्राम के आसपास, और 1 गैलन मतलब 4 लीटर के आसपास, मतलब हर 450 लीटर पे 450 ग्राम पे 4 लीटर पानी यूज किया गया है। और अगर मैं बात करूं बीफ की, बीफ को बनाने में लगभग 450 ग्राम बीफ बनाने में 6000 से भी ज्यादा लीटर पानी यूज किया जाता है। आप सोचिए सिर्फ 450 ग्राम मीट बनाने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं आलू की, पोटैटो की जो हम लोग खाते हैं, उसको बनाने में 100
लीटर पानी यूज होता है आधा किलो में। बेशक ये ज्यादा है लेकिन अगर हम कंपेयर करें बीफ से तो ये बहुत ही कम है। और जो पानी हम पोटैटो को या फिर जो हमारा आलू है उसको बनाने के लिए डालते हैं वो जमीन में जाता है और जमीन के थ्रू वापस वो हमारे एनवायरमेंट में आता है। तो बेसिकली वो हमारे लिए रिसाइकलिंग का काम कर रहा है जो भी चीज हमारे पानी जमीन में जाता है। लेकिन अगर हम बीफ बनाने के लिए जो पालन फैक्ट्री फार्मिंग में जबरदस्ती जानवरों को पाला जाता है पैदा किया जाता है उसमें 6000 से भी ज्यादा लीटर मात्र 450 ग्राम बीफ बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं चिकन की बात करूं तो 2000 लीटर से भी ज्यादा 2000 लीटर से भी ज्यादा मात्र 450 ग्राम चिकन बनाने के लिए यूज किया जाता है। सोचिए आप 2000 लीटर सिर्फ 450 ग्राम चिकन बनाने के लिए। पूरी जिंदगी में जितना भी उसको पानी दिया जाता है उसको बड़ा करने के लिए वो पानी को अगर हम कन्वर्ट करें तो 2000 लीटर मात्र 450 ग्राम चिकन बनाने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं टमाटर बनाने के लिए तो मात्र 14x4 करेंगे हम तो लगभग 60 लीटर पानी यूज होता है आधा किलो टमाटर बनाने के लिए। तो ये भी बहुत डिफरेंस है कहाँ पे 2000 किलो और कहाँ पे 30 किलो लीटर। तो उसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कैसे नॉनवेज में बनाने में कितना ज्यादा पानी यूज होता है वहीं वेजिटेरियन फूड बनाने के लिए कितना कम पानी यूज होता है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लैंड यूज जो होता है वो भी एक बहुत खतरनाक चीज है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। आप देखेंगे आपकी जो स्लाइड आपके सामने है लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा है कि पर 100 ग्राम प्रोटीन जो हम लेते हैं जानवरों से या फल पौधों से उसके लिए कितना लैंड यूज किया जाता है। आप देखेंगे मटन को बनाने के लिए 184.8 मीटर स्क्वायर लैंड यूज होता है पर 100 ग्राम प्रोटीन यूज करने में। और वहीं आप अगर नीचे देखेंगे सोयाबीन मटर जो हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स है ग्राउंडनट आप देखेंगे ग्रेन्स है इनको बनाने में 2.2 मीटर 3.4 मीटर स्क्वायर इतना कम लैंड यूज होता है पर 100 ग्राम प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये आप लोगों को समझना जरूरी होगा अगर हम ज्यादा लैंड यूज करते हैं फैक्ट्री फार्मिंग के लिए तो हम कम लैंड यूज कर रहे हैं पेड़ पौधों को उगाने के लिए पेड़ पौधों के लिए। तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि जो लैंड पेड़ पौधों के लिए आरक्षित था उनको हम फैक्ट्री फार्मिंग में यूज करते हैं मीट को बड़ा करने के लिए यूज करते हैं। यही कारण है कि जो पर 100 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है उसके लिए बहुत ज्यादा लैंड यूज होता है मीट के रख रखाव के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं आउटपुट की चलिए ठीक है हमने लैंड बहुत यूज किया है लेकिन हमें उतना प्रोटीन भी वापस उससे मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे 77% जो एग्रीकल्चर लैंड है वर्ल्ड में उसमें मीट और डेयरी इंडस्ट्री चलती है। वर्ल्ड का जो 77% एग्रीकल्चर लैंड है और लेकिन उसका जो आउटपुट है वो मात्र 37% है। यानी कि आपने 77% लैंड यूज किया और उसके बाद आपने आउटपुट क्या दिया मात्र 37%। और वहीं सिर्फ 23% जो लैंड है एग्रीकल्चर का वो पेड़ पौधों को फल फ्रूट को उगाने के लिए यूज किया जाता है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो है 63%। यानी कि 63% प्रोटीन जो हमें मिलता है वो मात्र 23% लैंड को यूज करके पौधों को उगा के मिलता है। तो आप सोचिए कितना गलत दिशा में हम जा रहे हैं कितनी बुरी तरह से हम पानी को व्यर्थ कर रहे हैं कितनी बुरी तरह से हम जो हमारा लैंड है हमारा एग्रीकल्चर लैंड है उसको व्यर्थ कर रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज हमारे लिए जानना और जरूरी है आप सब लोग जानते हैं अगर फैक्ट्री फार्मिंग में जानवरों को पाला जाएगा तो उन्हें पालने के लिए उन्हें खिलाया भी जाएगा। ऑन एन एवरेज हर 1 किलो मीट को बनाने के लिए हर किसी भी जानवर को 7 किलो के आसपास अनाज दिया जाता है। तो आप सोचिए 7 किलो अनाज हर 1 किलो मीट के लिए दिया जाता है। यानी कि हम जो अनाज हम गरीबों को दे सकते थे जो अनाज हम खुद खा सकते थे वो अनाज हमने जानवरों को दिया जबरदस्ती उनको दिया ताकि हम उनसे मीट बना सके। तो ऐसा करके हम 1 किलो मीट बनाने के लिए 7 किलो अनाज वेस्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिए किस बेसिस पे ये चीज सही है। अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो जो गरीबी बढ़ रही है भुखमरी बढ़ रही है वो और बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारा जो मीट खाने का शौक है उसकी वजह से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको अनाज खाने को नहीं मिलता उनको मीट नहीं खाना है उनको अनाज खाना है लेकिन जो सारा अनाज है वो हम जानवरों को खिला देते हैं और जो गरीब लोग हैं उन तक अनाज नहीं पहुंच पाता है। तो ये सारे कारण है जो प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है मीट खाने से
उसके बाद मैं बात करूं जो अभी करंट सिनेरियो पैनिडेमिक का चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं कि चमगादड़ खाने से या किसी जानवर के खाने से कोरोना वायरस आया है। तो जितने भी अभी तक पैनिडेमिक्स आए हैं वो किसी न किसी तरह से जानवरों से आए हैं। एक चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देखेंगे जो वायरस होते हैं वो वायरस किसी जानवर में आते हैं, जानवर से फिर वो इंसानों में ट्रांसफर होते हैं और इंसानों से इंसानों में ट्रांसफर होते हैं और फिर उसका ग्लोबल स्प्रेड होता है। तो अगर ग्लोबल स्प्रेड होता है किसी भी महामारी का तो उसका इफेक्ट इस एनवायरमेंट से रिलेटेड हर चीज पे आता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो इंसानों की हेल्थ केयर सिस्टम हो, चाहे वो इंसानों के लिए जो डिमांड सप्लाई के जो चेन है उस पे हो, हर एक चीज जो इस दुनिया में चलती है उसका इफेक्ट इन चीजों से आता है। यही कारण है कि जब जब महामारी आएगी ये दुनिया पूरी तरह रुक सी जाएगी, क्योंकि आज जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीमारियों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और जब भी ऐसा कोई वायरस आएगा इस दुनिया में लॉकडाउन करना पड़ेगा और इस लॉकडाउन की वजह से इस इंडिया को, इस दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी हम देख रहे हैं 2 महीने से पूरा बिजनेस बंद पड़ा है। हम कुछ नसीब है कि हम RCM से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस दुख के समय में भी अपने बिजनेस को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ बिजनेस है वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और पूरी तरह इकोनॉमी जो सेंटिमेंट्स थे वो नेगेटिव हो गए हैं। लेकिन जो मूल कारण है वो फिर से मैं आपको बोलूंगा कि वो मीट कंजप्शन ही रहा है। आप देखिए जितने भी ग्लोबल आउटब्रेक्स हुए हैं आज तक के, ज्यादातर चमगादड़ से हुए हैं, आप देखिए आउल से हुआ है, H5N1 बर्ड फ्लू हुआ है चिकन खाने से, H7N9 बर्ड फ्लू हुआ है चिकन खाने से, सुअर खाने से स्वाइन फ्लू हुआ है H1N1, सीजनल फ्लू जो हमारे रेगुलर हमको सर्दी खांसी हुई होती है उसका ओरिजिन भी अगर हम जानेंगे तो वो भी सुअर या किसी पक्षी के खाने से हुआ है। तो हर जो बीमारी इंसानों में है, ज्यादातर बीमारी इंसानों में सिर्फ और सिर्फ जानवर के खाने की वजह से ही आई है। और अभी COVID-19 है वो भी जानवर खाने की वजह से आया है। और यकीन मानिए अगर हम अभी भी नहीं रुकते हैं तो आने वाला कल और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जो वायरसेस है इस दुनिया में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया को फिर भी मारा जा सकता है लेकिन वायरस, साइंटिस्ट ने भी कहा है, ICMR ने कहा है, वायरस को काउंटर करना या उसे उसके लिए वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है। इसका एग्जांपल हमारे पास है HIV/AIDS की, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जो वायरस है वो अपना रूप बदलता है जब भी ये ट्रांसफर होता है किसी और में, तो उस वजह से इसका कोई पर्टिकुलर एक रूप नहीं है जिस वजह से इसका वैक्सीन बनाने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो सिर्फ एक वायरस है, मैंने नेट पे रिसर्च की तो मुझे पता चला इस दुनिया में कितने वायरस है आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको हम पढ़ भी नहीं सकते, 1 के आगे 31 जीरोस है। तो आप सोचिए इतने वायरस है, जब एक ऐसा कोरोना वायरस हमें पूरी दुनिया को घुटनों में ला सकता है तो इस दुनिया में इतने लाखों करोड़ों वायरस है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और कौन सा वायरस कितना विनाशकारी हो सकता है आने वाले कल में ये हमें नहीं पता है। इसलिए हमारे लिए अभी बहुत सही वक्त है कि हम लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं, उन्हें हर तरीके से हम समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अभी लोग डरे हुए हैं, इस डर का हमें एक अच्छे तरीके से फायदा उठाना है और लोगों तक हर एक उस जानकारी को पहुंचाना है जो उन्हें ये बताए कि मीट खाना ना हमारी सेहत के लिए अच्छा है ना प्रकृति के लिए अच्छा है, और अगर वो प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है तो इनडायरेक्टली वो इंसानों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हम हमारी हेल्थ को भी अच्छा रख ले मीट खा के, लेकिन अगर कोई और मीट खाएगा प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा, तो जैसे ये लॉकडाउन हुआ हमारी जो वेजिटेरियंस है या जो लोग नॉनवेज कम खाते हैं उनकी कोई भी गलती नहीं होने के बावजूद भी आज उन्हें ये लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है, उन्हें ये इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। तो आप सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें ये अवेयरनेस फैलानी है। इस अवेयरनेस फैलाने से हमें 2 फायदे है, एक तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने लोगों की भलाई के लिए कुछ काम किया है, और दूसरा फायदा अगर हम उसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएंगे और हमारा प्रोडक्ट्स उनको समझा के बेच पाएंगे तो हमें मॉनेटरी यानी कि पैसों के तौर पे भी हमें फायदा होगा। आप सोचिए इस दुनिया में हर साल 150 बिलियन जानवरों को मार दिया जाता है,
इतनी बड़ी संख्या में अगर जानवर मरेंगे तो कितना प्रकृति को नुकसान होगा, कितना हमारी हेल्थ को नुकसान होगा और कितनी और बीमारियां आने वाले कल में आएगी। पुराने जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी, आप सब लोग जानते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस दुनिया में, बीमारियां भी बढ़ रही है, रोज नई बीमारियां आती है। क्यों ऐसी आती है? क्योंकि जो हाइजीन है, जो ट्रांजिशन है वायरसेस का, बैक्टीरिया का, वो आज की दुनिया में बहुत ही आसान हो गया। इस वजह से नई नई बीमारियां हर कुछ सालों में जन्म लेने लग गई है। और साइंटिस्ट ने अभी रिसेंट ये 30 मई का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, साइंटिस्ट ने कहा है जो अगला बर्ड फ्लू आने वाला है, जो चिकन के खाने से होता है, वो इस दुनिया की आधी आबादी को खत्म करने की क्षमता रखता है। आप देखिए 30 मई का आर्टिकल है न्यूयॉर्क पोस्ट का, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ी हाउस है, ये मीडिया हाउस है। उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है उसके अनुसार अगला जो बर्ड फ्लू आएगा, जो बीमारी चिकन से फैलती है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में चिकन का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। हमारी जो 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है इंडिया में, वो 70% लोग चिकन तो खाते ही है। तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को अवेयरनेस पहुंचाए। और अगर हमें ये लगता है कि एक आदमी के करने से क्या होगा, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस एक आदमी के चमगादड़ खाने की वजह से अगर आज पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, तो हम जैसे प्रत्येक आदमी के नॉनवेज छोड़ने की वजह से ये दुनिया बच भी सकती है। मकसद सिर्फ इतना है कि हमें इस दुनिया को बचाना है, इस मानव जाति को बचाना है, और ये अब हमारे हाथ में ही है। भारत में मैं समझता हूँ ये पावर सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के हाथ में है, इसके अलावा कोई भी, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन अगर अवेयरनेस पहुंचाती है, जो एनजीओज होते हैं, लेकिन उनके पास उसका विकल्प नहीं है। अवेयरनेस आपने पहुंचा दी, लोगों ने समझ लिया, लेकिन लोग फिर से मीट की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। लेकिन आरसीएम जो हमारे पास ताकत है, हमारे पास ये ताकत है कि हम लोगों को अवेयरनेस तो अवेयर तो कर ही सकते हैं, लोगों को समझा तो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें विकल्प भी दे सकते हैं। ये जब दो चीजें मिलती है तो इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर बनती है। और यकीन मानिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर इस दुनिया को बचना है तो उसे इस लाल डॉट से शिफ्ट होके हरे डॉट पे, यानी कि गुड डॉट पे आना ही होगा। चाहे वो आज आए, चाहे वो कल आए, चाहे वो 6 महीने बाद आए, चाहे वो 5 साल बाद आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, लेकिन उसको इधर से इधर आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो उसके लिए आने वाला कल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और उसमें हम भी है, मैं भी हूँ, आप भी है, हर एक व्यक्ति है। आज कोरोना वायरस से हम सब लोग पीड़ित है, पीड़ित होके भी नहीं है, लेकिन हम इनडायरेक्टली उस वे में पीड़ित है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें दूर का सोचना पड़ेगा। जो लोग दूर का सोचते हैं वही सफल होते हैं। हमको आज पता है कि आने वाला कल वेजिटेरियन या वीगन फूड का होने वाला है। उसी तरह बिल गेट्स, जो वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी है, जिन्होंने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, जो कंप्यूटर आप लोग यूज कर रहे हैं, जो मैं यूज कर रहा हूँ, और जिसके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। आज हम कंप्यूटर के बिना दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते। उन्होंने 2015 में कहा था कि द फ्यूचर ऑफ मीट इज वीगन, यानी कि जो आने वाला कल है वो मीट का नहीं होगा, वो वीगन खाने का होगा। ये 2015 ने इस आदमी ने वो बात कही है। ये आदमी वो है जिसने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कोई यंत्र बन सकता है। तो ये जो लोग विजनरी है, ये भी मानते हैं कि आने वाला कल वीगन होने वाला है। इसीलिए इन्होंने अमेरिका में जो कंपनीज है, जो हमारी तरह काम करती है, उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप सोचे, बड़ा आदमी जो एक एक अपना रुपए भी सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करता है, उस आदमी ने इस इंडस्ट्री में किया है। और इंडिया में हमको खुश नसीब और बहुत ही ज्यादा अवेयर होना चाहिए कि हमारे पास ही ये ताकत है। भारत में अगर हमको नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियंस में लोगों को शिफ्ट करना है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम और गुड डॉट के पास है। इस अपॉर्चुनिटी को हमको भुनाना है। आप सीधा आपका मार्केटिंग टेक्निक में आपको सिंपल बता देता हूँ। आप लोगों को डराइए, डराने का इन द सेंस आप उनको अवेयर करिए, क्योंकि जब इंसान डरता है तभी वो किसी चीज का फैसला ले सकता है, सही चीज का। उसको तब गलत गलत दिखता है और सही चीज सही दिखती है। तो हमारा काम यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस पहुंचाए, कि लोगों को बताए कि मीट खाने से हमारी बॉडी को क्या नुकसान है, प्रकृति को क्या नुकसान है, और प्रकृति के नुकसान होने से हमें क्या नुकसान है।
फिर उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताइए। इस तरीके से अगर आप लोगों को टारगेट करेंगे तो यकीन मानिए भारत के हर एक नॉन वेजिटेरियन को हम बदलने की क्षमता रखते हैं। यही हमारा मोटिव है। गुड डॉट आज से 2 से 2.5 साल पहले जब चालू हुआ था, ये चीज हमने समझ ली थी बहुत जल्दी। हमने आप लोगों को 2-2.5 साल से समझाया है, आप लोगों ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम ज्यादातर लोगों को फील्ड में इसके बारे में समझाए, उन्हें बताए कि किस तरह एकमात्र जो विकल्प है नॉनवेज का वो सिर्फ और सिर्फ गुड डॉट ही बन सकता है। क्यों ऐसा है? ये सिचुएशन क्राइसिस की जो सिचुएशन है, मैंने अपनी पिछली वाली ट्रेनिंग में भी आप सबको बताया था कि कैसे हर एक क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, कोरोना वायरस हमारे लिए क्यों एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है वो अज्यूम किया गया है कि वो मीट खाने की वजह से हुआ है। इस वजह से लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है, अवेयरनेस पैदा हुई है, जिस वजह से इंडिया में लगभग 70-80% लोगों ने, नॉनवेज लोगों ने नॉनवेज खाना कम कर दिया है या पूरी तरह छोड़ दिया है। तो यही सही वक्त है जब हम उन्हें बता के उनको अवेयर करके नॉनवेज से वेज शिफ्ट कर सके। आज अगर मेरे पास किसी चीज का अभाव होगा तभी मैं उस चीज को लेने की कोशिश करूंगा। अगर आप सोचिए, अगर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना है क्योंकि मुझे डर है कि मुझे कोरोना वायरस हो जाएगा, तो मैं कार खरीदने का सोचूंगा। मुझे लगेगा कि अगर मैं कार खरीदूंगा तो मेरी सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी और मैं कोरोना वायरस से भी बच सकता हूँ। तो यही चीज है लोगों के अंदर, अब जब एक डर है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो अब वो खुद विकल्प सोचेंगे, यार नॉनवेज तो हम नहीं खा सकते लेकिन हमें वैसा कुछ टेस्ट का अगर कुछ मिलता है तो बेशक हम उसको ले लेंगे, ताकि हमें न्यूट्रिशन भी मिलता रहे और हमारा जो टेस्ट है नॉनवेज का वो भी पूरा होता रहे। तो इस वे में आपको इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना है। यकीन मानिए हर प्रोडक्ट को बेचने का सही समय होता है। मैं आपको बार बार हर मीटिंग में ये चीज बोलता हूँ कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब एक प्रोडक्ट को बेचने का सही समय होता है तभी उसी प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। आज अगर आप गर्मी में स्वेटर बेचने निकलेंगे तो आप कितना भी अच्छी तरीके से उसकी मार्केटिंग करिए, चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन वो टाइम स्वेटर बेचने का नहीं है। उसी तरह अभी का जो वक्त है वो नॉनवेज बेचने का नहीं है, वो नॉनवेज के विकल्प को बेचने का है, और भारत में वो विकल्प सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के पास है। इस ताकत को फिर से आपको गहराई से समझना होगा कि ये ताकत आपके अलावा इस भारत में किसी के पास नहीं है, और इस अपॉर्चुनिटी का अगर सबसे बड़ा कोई फायदा उठा सकता है तो सिर्फ आप लोग हैं और हम लोग हैं जो इस फायदा उठा सकते हैं। और क्यों हमारे प्रोडक्ट को बेचना चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने आपको बताया है कि हमारे प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, लेकिन क्यों बेचना चाहिए? पहली बात है कि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है मीट का। आज भारत में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो हमारी तरह प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट मीट का सब्स्टिट्यूट बनाती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमको एक मोनोपोली मार्केट सेगमेंट की ओर ले जाता है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे प्रोडक्ट में हाई न्यूट्रिशन है। आप देखेंगे हमारे सारे प्रोडक्ट में प्रोटीन की मात्रा हाई है, कोलेस्ट्रॉल जीरो है, फैट कम है, हाई डाइटरी फाइबर है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो चीजें न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए है या जो न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होता है, उसका प्रॉपर बैलेंस हमने हमारे हर प्रोडक्ट में किया है। हर प्रोडक्ट को 100% रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद ही बनाया गया है। तीसरा जो पॉइंट है कि हमारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, यानी कि इसके जो प्राइस रेंज है वो बहुत कम है। हर प्रोडक्ट आप कंपेयर करेंगे तो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से सस्ता है, और मीट से अगर आप कंपेयर करें तो हमारे जो वेजिटेरियन बाइट या प्रोटीन है वो मीट की जो प्राइसेस है उसके बराबर है या उससे कम ही है। कोई भी प्रोडक्ट हमारा किसी भी मार्केट प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं है। साथ ही साथ हमें मोनोपोली मार्केट सेगमेंट मिलता है, यानी कि हमारा कोई विकल्प नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया है अमेरिका में हमारी तरह कंपनी है, यूरोप में है, लेकिन भारत में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो हमारी तरह प्रोडक्ट बनाती है। जो छोटी मोटी कंपनी बनाती भी है, या तो उनके प्रोडक्ट टेस्ट में सिमिलर नहीं है, या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स है वो फ्रिज में रखना पड़ता है, शेल्फ स्टेबल नहीं है। तो किसी भी पहलू पे आप देख लीजिए, हमारा कोई भी कॉम्पिटिशन भारत में आज की तारीख में नहीं है। लेकिन ये बात ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि आज नहीं है लेकिन कल हो सकता है। तो हमारे लिए अभी का जो वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 6 महीने से लेके 2 साल तक अगर आपने गुड डॉट पे मेहनत कर ली तो यकीन मानिए आपको कोई और
प्रोडक्ट पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी बल्क सेल आपको मिलेगी। हमारे जो टॉप टॉप सेलर्स है जो साउथ इंडिया से है, उनका महीने का लगभग 40-50 हजार का बिजनेस वॉल्यूम आने लग गया है अभी लॉकडाउन के समय में। तो आप सोचिए, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको कमर्शलाइज करना है हमारे प्रोडक्ट को, कैसे आपको करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो हमारा मार्केट है वो ह्यूज है, आप जानते हैं कि लोग नॉन वेज छोड़ के वेज पे शिफ्ट हो रहे हैं, 70% लोग जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेज पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मार्केट जो है वो ग्रोइंग है हमारे लिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आपके सामने। इन सबके प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा कैसे इनको बेचना है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पेरेंट इंग्रेडिएंट है यानी कि जो मेन इंग्रेडिएंट है उसकी बात करूं तो सोए प्रोटीन है, जिसमें हर 100 ग्राम सोए प्रोटीन में 90 ग्राम प्रोटीन होता है सोए प्रोटीन में। दूसरा जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो सारे प्रोडक्ट्स में किसी न किसी मात्रा में है वो है पी प्रोटीन। हर 100 ग्राम पी प्रोटीन में 85% प्रोटीन होता है। तो आप सोचिए कितने शानदार इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने में। ग्राम फ्लावर है जो चने का आटा होता है, हर 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन होता है। उसके बाद ओट फ्लावर है, ओट एक बहुत ही हेल्दी ग्रेन है जो हम सब लोग हमारे डेली यूज में लेते हैं, उसमें हर 100 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन है। तो आप देखिए हर रेंज का हेल्दी प्रोटीन जो सोर्सेज है वेजिटेरियन में वो हमने लिए है इसमें। आप देखिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हाई प्रोटीन युक्त है, इसलिए जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेंगे आपको। हाई प्रोटीन इसमें मिलेगा, जीरो कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, हाई डाइटरी फाइबर मिलेगा और हाइजीनिक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज की जो सिचुएशन है, जो पैकेजिंग फूड का जो एक कल्चर आने वाला है आने वाले कुछ सालों के लिए जब तक कोरोना इस दुनिया से नहीं जाएगा, तो हाइजीनिक है हमारे प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री में बनते हैं और फैक्ट्री हमारी ISO सर्टिफाइड कंपनी है हाइजीन के लिए। तो इस वजह से ये आज से नहीं, पिछले 2.5-3 सालों से ये हाइजीन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट में कोई भी एंटीबायोटिक या हार्मोन्स नहीं है जो नॉनवेज में आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ कोई क्रुएल्टी नहीं है। तो जितने भी हम देखे जाए तो हर पहलू पे हमारे प्रोडक्ट आपको बेनिफिट करेंगे, किसी भी प्रकार से एक सिंगल पॉइंट भी नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। प्रिजर्वेटिव की बात करें तो कोई भी प्रिजर्वेटिव हमारे किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। जो प्रिजर्वेटिव पैकेजिंग फूड का एक डिसएडवांटेज होता है, लेकिन हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं या तो उनके अंदर नेचुरल प्रिजर्वेटिव है या फिर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए हर पहलू पे हमारे प्रोडक्ट किसी भी पैकेजिंग फूड से या किसी भी मीट से बेहतर साबित होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इस स्टडी में आपके लिए जानना जरूरी है, आपके सामने जो स्लाइड है उस पे लिखा है आर यू अ बेबी ईटर। इसका मतलब ये है कि ये एक रिसर्च की गई है, यूके की एक रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने ये रिसर्च की है। उन्होंने बताया है कि जो नॉनवेज हम खाते हैं उनकी असली लाइफ क्या होती है और उनको कितने महीनों में या सालों में बड़ा करके खाने योग्य बना दिया जाता है क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देखेंगे चिकन की जो नेचुरल लाइफ है वो 8 साल है, लेकिन उसको मात्र 6 हफ्तों में बड़ा कर दिया जाता है हार्मोन्स का इंजेक्शन देके, उनके अंदर एंटीबायोटिक्स डाल के उन्हें मात्र 6 हफ्ते में बड़ा किया जाता है। वहीं मैं बात करूं अगर लैम्ब की, लैम्ब जो बकरा जिसे हम कहते हैं, मटन की जो मीट खाते हैं, उसकी जो लाइफ है वो 12 साल की होती है, लेकिन उसको मात्र 3-6 महीने में इंजेक्शन देके बड़ा किया जाता है। बीफ की बात करूं, बीफ बहुत सारे लोग खाते हैं भारत में भी, बीफ की जो लाइफ है वो 20 साल की होती है, यानी जो गाय जिसे हम माता मानते हैं भारतीय संस्कृति में, उसकी जो लाइफ है वो 20 साल की होती है, लेकिन मात्र 1-2.5 साल में उसे इंजेक्शन देके बड़ा करके मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे जानवर है आप देखेंगे, सुअर है इसमें, डेरी काउज है, डक्स है, लैम्प है, टर्की है, पिग्स है, सारे तरीके के जानवर आपको दिखेंगे जिनकी एक्चुअल लाइफ इतनी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मीट की डिमांड इतनी ज्यादा है और इतना प्रोडक्शन नहीं है, इस वजह से उन्हें इंजेक्शन देके बड़ा करके मार दिया जाता है। यही कारण है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ सकती है, कैंसर से लेके, ब्रेन स्ट्रोक से लेके, हार्ट अटैक, हार्मोनल इन्फेक्शन से, एंटीबायोटिक मिसयूज, बहुत सारी बीमारियां हर मीटिंग में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जानिए कि ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जो लोग मीट का बिजनेस करते हैं उनके लिए एकमात्र मकसद है सिर्फ पैसा कमाना, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पैसा कमाना उनके लिए जरूरी होगा लेकिन हमारे लिए हमारी सेहत जरूरी है,
और इस दुनिया को अगर बचना है तो उसे किन्हीं किन्हीं चीजों पे पैसों से ऊपर उठ के भी सोचना पड़ेगा। और यही कारण है कि अगर हम लोग अवेयर होंगे तो जो लोग बेचते हैं वो भी उसे बेचना बंद कर देंगे और उनको भी हम गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट पे शिफ्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वेजिटेरियन बाइट की अगर मैं बात करूं, ये मटन का सब्स्टिट्यूट है। तो जब भी आप किसी नॉन वेज को बेचने जाए, अब मैं आपको हर प्रोडक्ट की थोड़ा ब्रीफ में मार्केटिंग स्किल्स बताता हूँ, कैसे उस प्रोडक्ट को आपको टारगेट करना है लोगों पे। तो वेजिटेरियन बाइट जो प्रोडक्ट है, आपको उन लोगों पे टारगेट करना है जो लोग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है। उनके पास आप जाइए और उनको बताइए कि मटन का हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये मटन से सस्ता है, हाइजीनिक है, और सारे जो पॉइंट हम आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, मेनली आपको फोकस करना है नॉन वेजिटेरियन ईटर्स पे। आप वेजिटेरियंस पे भी कर सकते हैं, लेकिन करेंट सिचुएशन में आप अगर नॉन वेजिटेरियन को टारगेट करेंगे तो आप जल्दी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है वेजिटेरियन से। तो आप साथ ही साथ ये टेबल भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि किस तरह प्रोटीन की मात्रा किसी भी नॉनवेज से ज्यादा है हमारे वेजिटेरियन बाइट में। डाइट्री फाइबर आपको बहुत मिलेगा, डाइट्री फाइबर नॉनवेज में नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल हमें जीरो है। तो ये सारी चीजें बता के उनको अवेयर करके आप नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन पे वेज बाइट दे के शिफ्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो है वेजिटेरियन अचारी टिक्का। ये भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में नहीं है। आप सब लोग जानते हैं करंट सिचुएशन में हम बाहर का खाना खाने से बच रहे हैं। हम बाहर का ना तो किसी भी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ना कोई जो स्ट्रीट वेंडर्स है, लेडी वाले हैं, उनके यहाँ खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे, क्योंकि हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा होती है कि हम बाहर का चटपटा खाना खाएं, पनीर टिक्का खाएं या फिर पनीर चिली खाएं, कुछ भी खाएं, हम चाउमीन खाएं। तो वेजिटेरियन अचारी टिक्का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप लोगों को इसको ऐसे बेच सकते हैं कि लोगों को ये बता के कि जो आपकी बाहर का टिक्का खाने की इच्छा है, मटन टिक्का, चिकन टिक्का या प्रोटीन रिच टिक्का, सोया टिक्का अगर आप खाना चाहते हैं तो आप वेजिटेरियन अचारी टिक्का को यूज कर सकते हैं। या आपको घर बैठे आपको रेस्टोरेंट का टेस्ट देगा और रेस्टोरेंट की जो प्राइस है उससे आपके लिए सस्ता भी है। तो इस वे में आपको वेजिटेरियन अचारी टिक्का को सेल करना है। आपको लोगों को जो उनकी जो क्रेविंग हो रही है, जो खाने की इच्छा हो रही है बाहर का खाना खाना, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे इसको दिखाना है। इसको हीट एंड ईट है, आप सबको पता है, हाई प्रोटीन है, इजी टू प्रिपेयर है और टेस्ट बहुत ही शानदार है। उसके बाद आता है प्रोटीज। प्रोटीज एक बहुत वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इसको आप नॉन वेजिटेरियन से लेके एक प्योर वेजिटेरियन को बेच सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर आदमी को होती है। और ये क्योंकि चिकन की जो प्राइस है उससे भी ये सस्ता होता है पर किलो, अगर हम रेट कंपेयर करें तो ये बहुत ही एक अच्छा विकल्प है। आप नॉन वेजिटेरियंस को इसको बेच सकते हैं, वेजिटेरियंस को बेच सकते हैं। उनको आपको प्रोटीन के बारे में बताना है कि किस तरह हमारी बॉडी का जो वेट होता है उतना ही प्रोटीन हमें चाहिए होता है। ये चीज जो भी प्रोटीन के बारे में आपको हमने हर बार बताया है, वो नॉलेज आप दीजिए लोगों को। और ये कितना वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, मतलब आप इसकी चिली बना सकते हैं, आप पुलाव बना सकते हैं, आप समोसा बना सकते हैं, कुल्फी बना सकते हैं, दही वड़ा, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये वर्सेटिलिटी आपको लोगों को बतानी है। और प्रोटीन में जो इसमें हाई कंटेंट है, 53% प्रोटीन है, इसके बारे में लोगों को बताना है कि कैसे प्रोटीन इंटेक से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और किस तरह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है अगर हम डेली कंजप्शन करते हैं। तो इस वे में आपको प्रोटीन को मार्केटिंग करनी है। और अगर मैं प्रोटीन प्लस की बात करूं तो ये इसका एडवांस वर्जन है। और क्या चीज इसको प्रोटीन प्लस बनाती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन के इंग्रेडिएंट्स तो है ही, उसके ऊपर इसके अंदर सोए प्रोटीन आइसोलेट है, ओट फ्लावर है, पी प्रोटीन है, ग्राम फ्लावर है, किनोआ है, ग्राउंडनट है, राइस फाइबर है, तो बहुत एडिशनल न्यूट्रिशन हमने इसमें डाला है। साथ ही जो वेजिटेरियंस के अंदर डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12, D3, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, इन सबको हमने इसके अंदर डाला है। अगर 20 ग्राम प्रोटीन प्लस अगर कोई वेजिटेरियन आदमी या नॉन वेजिटेरियन आदमी डेली कंज्यूम करता है तो उसकी बेसिक जो बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो वहां से पूरी हो सकती है। तो इस वे में आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट करना है कि ये आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। अगर आपके अंदर विटामिन B12, D3 की कमी है, जो 100% वेजिटेरियंस के अंदर होती ही है और जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है विटामिन B12 और D3,
3। अगर आप रेगुलर कंज्यूम करेंगे प्रोटीज प्लस तो आपको ये न्यूट्रिशन इसके अंदर से मिल सकता है। तो इस वे में आपको प्रोटीज प्लस को मार्केट करना है। फिर अगर मैं बात करूं वेजिटेरियन बिरयानी और पुलाव की, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसको आपको जो पैकेजिंग फूड का कल्चर आने वाला है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम बाहर का खाना नहीं खा सकते, हाइजीन का जो कंसर्न है, उस वे में इसको आपको मार्केट करना है कि बनाने में आसान है, आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट देगा, आपको प्रोटीन देगा, और हर पहलू पे ये किसी भी प्रोडक्ट से बेहतर है। आप अगर मैं बात करूं एक पैकेट से लगभग 3 लोग खा सकते हैं, तो पर प्लेट आपकी जो कॉस्ट है वो मात्र 25 रुपए के आसपास आ रही है वेजिटेरियन बिरयानी की और पुलाव की। यही चीज अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे बिरयानी या पुलाव, तो आपको पर प्लेट लगभग 100 रुपए से कम में कहीं पे भी मिलने का सवाल नहीं है, अच्छी क्वालिटी की, अच्छे इंग्रेडिएंट्स को हाइजीनिक तरीके से बनाए गए को। तो आप देखिए कितना रेट डिफरेंस है। तो इस वे में आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आपको इन प्रोडक्ट से न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको बाहर का टेस्ट भी मिलेगा। उसके बाद जो है हमारा जो वेजी सूप है, ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। अभी हमने लॉकडाउन में बहुत हमें रिव्यूज आए हैं आरसीएम के डायरेक्ट सेलर से, हर जगह से, कि सर इसको खाने से हमें बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है, और साथ ही साथ ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, अदरक है, इसके अंदर प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, ये नेचुरली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सहायक होती है। अगर हम आर्टिफिशियली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा नहीं, हमारे इम्यूनिटी को और नुकसान पहुंचाएगा जो केमिकल्स उनके अंदर होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम नेचुरली हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं जैसे इन इंग्रेडिएंट्स से बने प्रोडक्ट्स को लेके, तो 100% हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर रेगुलर, आप सब जानते हैं अभी हम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि हमें काढ़ा पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, तो उस कड़ी में वेजी सूप एक बहुत अच्छा विकल्प है जो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको एक शानदार हॉट एंड सोर सूप, जो रेस्टोरेंट का जो टेस्ट होता है उसका टेस्ट आपको घर बैठे मिल सकता है। तो इस वे में आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट करना है, लोगों को समझाना है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद अपना आता है माय सीक्रेट करी पेस्ट और चाइनीज सॉस। ये बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये भी उसी कड़ी में आपको यूज करना है जो हमारी बाहर के खाने की इच्छा होती है, ग्रेवी वाला खाना हमें खाना है, या फिर हमें चाइनीज खाना है, प्रोटीन चिली खानी है, चाउमीन खाना है, पास्ता खाना है, जो हम बाहर नहीं खाना चाहते और हमें खाना भी नहीं चाहिए करंट सिचुएशन में। तो उस वे में आप लोगों को ये बता सकते हैं कि हमारे ये जो दो प्रोडक्ट है, ऐसे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, और इन्हें आप घर में यूज करिए ताकि आपको रेस्टोरेंट का टेस्ट मिले और आपको हेल्दी और हाइजीनिक तरीके से ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। करी पेस्ट की बात करूं, इससे आप वेज वाइट करी बना सकते हैं, आप चाहे तो इससे आलू की करी बना सकते हैं, दम आलू बना सकते हैं, किसी भी सब्जी में इसको मिलाइए और आपका रेस्टोरेंट का जो ग्रेवी का टेस्ट होता है वो आपको घर बैठे मिल सकता है। साथ ही साथ जो चाइनीज सॉस है वो आपको चाइनीज जो फूड आइटम्स है जैसे कि पनीर चिली है, चाउमीन है, पास्ता है, इन सब का टेस्ट मिलेगा। जो हमारा यूट्यूब चैनल है गुड डॉट का ऑफिशियल, वहां पे जाके आप इन सब प्रोडक्ट से बनी रेसिपी के बारे में जान सकते हैं। और रिसेंट जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो है गुड सिप। आप में से बहुत लोगों को ये प्रोडक्ट मिल गया होगा, जिन लोगों को नहीं मिला वो जल्दी उनको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिमांड इस प्रोडक्ट के लिए आ रही है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं जिसके अंदर आपको विटामिन B12 मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, विटामिन B3 मिलेगा, साथ ही साथ जो इसके इंग्रीडियंट है तुलसी, एलोवेरा, लेमन, जिंजर या फिर मिंट, ये जितने भी इंग्रेडिएंट है सारे के सारे बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम रेगुलर यूज करते हैं हमारे घर में, हमारे खाने में, वही इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं जो इसको एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी ड्रिंक बना देता है। और यकीन मानिए जो इसकी DP है मात्र 15 रुपए। आज हम मार्केट में जाएंगे, हमें ना ऑरेंज जूस जो पानी से बना हुआ होता है, या पाइनएप्पल जूस जिसमें आधी से ज्यादा शक्कर होती है, वो हमें 20 रुपए से कम नहीं मिलता। लेकिन हमने गुड सिप जो लॉन्च किया है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 15 रुपए में आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा और आपको शानदार टेस्ट देगा विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई की खूबियों के साथ। और यकीन मानिए मुझे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो अपने हमारे लीडर्स है उनके कॉल आ रहे हैं, हर लीडर का, इंडिविजुअल लीडर का 2-2, 3-3 हजार पैकेट का ऑर्डर है। तो आप सोचिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप घर घर में पहुंचा सकते हैं। आप
जितने भी लोगों को जानते हैं, हर घर में ये प्रोडक्ट पहुंच सकता है अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचने निकलेंगे। और इसको बेचना कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, साथ में विटामिन B12, विटामिन सी, D3 और ये सारी चीजें हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको हर घर में पहुंचाएगा और उसके थ्रू आप दूसरे प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं। तो गुड सिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप यूज कर सकते हैं लोगों के घर में पहुंचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे ही आप वहां तक पहुंचते हैं तो आप फिर हम दूसरे प्रोडक्ट को भी साथ साथ बेच सकते हैं। अगर हम बात करें कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो अगर आप रिटेलिंग करते हैं गुड डॉट के प्रोडक्ट की, तो आपको डायरेक्ट 20% मार्जिन वहां पे मिलेगा। और जैसे जैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता जाएगा 12%, 14%, आप अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम में, आप सब जानते हैं उसके बारे में। तो ऐसे करेंगे तो अगर आप 5000 बीवी से चालू करके 3.5 लाख बीवी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे टॉप डायरेक्ट सेलर है उनका 1.5 लाख बीवी है मंथली, तो आप सोच सकते हैं ये अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और अगर आप 5000 से लेके 3.5 लाख का अगर आप टारगेट सेट करते हैं कि अगले 2-2.5 साल में मुझे गुड डॉट को इतने हर घर घर में पहुंचाना है कि मैं 3.5 लाख का बीवी हर महीने सिर्फ गुड डॉट से लूं, तो आपकी जो इनकम होगी वो 2.5 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी अगर आप 3.5 लाख बीवी को टारगेट कर सकते हैं। तो ये नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हमने जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो हमें पता भी नहीं था कि लोग इसे ट्राई करेंगे, खाएंगे, नहीं खाएंगे। और RCM में भी जब हमने इसको लॉन्च किया था, कुछ लोगों ने खाया, कुछ लोग नहीं खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको समझा और लोगों ने खाना चालू किया। तो अगर हमारे लिए हमारी सेल ग्रो हुई है तो आपकी भी सेल इंडिविजुअली ग्रो हो सकती है। शर्त इतनी है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको सही वक्त पे सही प्रोडक्ट को सही तरीके से बेचना है, सही वक्त पे सही प्रोडक्ट को सही तरीके से बेचना है। अगर आप ये तीनों चीजों पे काम कर लेंगे तो ये 3.5 लाख मेरे को लगता है कि एक छोटा नंबर है। हम 5 लाख 10 लाख बीवी भी गुड डॉट से अकेले करने की क्षमता रखते हैं अगर हम कमर्शलाइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट को। कमर्शलाइज करने का मतलब ये है कि हमें उन जगह पे इस प्रोडक्ट को बेचना है जहां से इस प्रोडक्ट की बल्क में सेल हो। हम अगर एक आदमी को रिटेल क्लाइंट को बेचते हैं तो उसकी लिमिट है कि वो महीने के 10 पैकेट लेगा या 5 पैकेट लेगा या 15 पैकेट लेगा। लेकिन अगर हम एक ऐसी जगह प्रोडक्ट को बेचते हैं जहां पे हजारों या लाखों लोग वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो तब हम हमारी सेल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो गुड डॉट के प्रोडक्ट की सेल को मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट फूड इंडस्ट्री में आते हैं, आप सब लोग जानते हैं। अगर हम किसी और इंडस्ट्री की बात करें तो लिमिटेड एरिया है हमारे लिए प्रोडक्ट सेल करने का। लेकिन आपने देखा है कि लॉकडाउन हुआ लेकिन ग्रोसरी की जरूरत के सामान को बेचने की दुकानें चालू थी। तो ये बताता है कि इंसान पे कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए वो जरूरत का सामान हमेशा खरीदेगा। यही कारण है कि हमारे प्रोडक्ट जरूरत के सामान में आते हैं। इस वजह से अगर हम हमारे प्रोडक्ट को हर एक जगह पहुंचा दें तो हमारी सेल कभी भी कम नहीं हो सकती। उस कड़ी में अगर आप चाहें तो आप रेस्टोरेंट को टारगेट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में करेंट सिचुएशन में हाइजीन का कंसर्न है, लोग बहुत डरे हुए हैं, नॉनवेज नहीं खाना चाहते, तो इस वे में आप रेस्टोरेंट को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स को कर सकते हैं, स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स पे आप बेच सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रोसरी खरीदने आते हैं, उनको भी इंस्टेंट फूड चाहिए होता है जैसे मैगी है या कोई भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स है। तो उस वे में अगर आप स्मॉल ग्रोसरी शॉप पे टारगेट करेंगे तो वहां से आपको बल्क डिमांड मिल सकती है। केटरिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि आने वाले टाइम में शादियों में आप लोग जानते हैं सरकारों ने लिमिट लगा दी है और हाइजीन एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं शादियों में या किसी भी फंक्शन में। तो केटरिंग एक बहुत अच्छा मार्केट हमारे लिए साबित हो सकता है अगर हम केटरिंग को टारगेट करें। उसके बाद जिम फिटनेस सेंटर जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा, वो लोग टारगेट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, कॉलेज कैंटीन्स में कर सकते हैं, लिकर शॉप में। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इसको आप टारगेट कर सकते हैं। इसके पहले जो मेरी यूएस का जो मीटिंग था, आपको हमारे यूएस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरह इन जितने भी ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है पोटेंशियल मार्केट, वहां पे हमारे प्रोडक्ट को कैसे बेचा जा सकता है, ये मैंने आपको उसमें बताया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वहां पे देख के डिटेल में समझ सकते हैं। तो
अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि हम आप लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं और आप इन प्रोडक्ट्स को भारत के हर एक घर में पहुंचाएं। और यकीन मानिए हमारा हर एक प्रोडक्ट इस भारत के हर एक घर में जाने की क्षमता रखता है। शर्त इतनी है कि हमें लोगों को समझाना है, सही ढंग से समझाना है, और 100% अगर आप समझाने में सक्सेसफुल हो गए तो आप एक बहुत बड़ा मार्केट आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी इनकम भी बढ़ेगी। यकीन मानिए इस दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस है, आपने RCM को चुना, RCM के पहले आप कुछ और करते थे, आपके पास बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन आपने RCM को चुना। RCM को चुनने के पीछे एक कारण मैं जो मानता हूँ ये कि आपको आजादी देता है, आर्थिक आजादी देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये लोगों की भलाई के लिए काम करता है, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वैसा पैसा कमाना कभी भी आपको मन की शांति नहीं दे सकता। लेकिन RCM से जुड़ के हमें जो फायदा हुआ है कि हम प्रोडक्ट बेच के पैसा तो कमा ही सकते हैं, लेकिन लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं, लोगों को बेरोजगारी से निकाल सकते हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। यही फायदा हमें RCM से जुड़ के हुआ है। और गुड डॉट की मैं बात करूं तो गुड डॉट के प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बेशक आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, अगर आप उसको बेचेंगे तो आप पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन आपको एक शांति और सुख मिलेगा कि हमने लोगों को नॉनवेज छोड़ने से बचाया है। अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूं, मैं जब MBA किया था मैंने मुंबई से, तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे जॉब के, लेकिन मैंने गुड डॉट को चूज किया क्योंकि मैं जानता था अगर मेरे बोलने से कुछ लोगों को नॉनवेज छोड़ते हैं या कुछ लोग अवेयर होते हैं एनवायरमेंट के प्रति, जानवरों के प्रति, तो किसी भी बड़ी नौकरी से ज्यादा आपको खुशी देगा। और यही कारण है कि आज जब कंपनी शुरू हुई है तब से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूंगा, क्योंकि जो सुख है, जो लोगों को अवेयर करने का सुख है, लोगों को जागरूक करने का सुख है, वो किसी और कंपनी में मुझे नहीं लगता कि मुझे मिल सकता है या आपको मिल सकता है। ये चीज आपको समझनी होगी, ये ताकत आपको समझनी होगी कि आपके पास RCM और गुड डॉट नामक ऐसे शस्त्र है जो आपको पैसा कमाने के साथ साथ आपको मन का सुख भी देंगे। तो ये चीज आप रियलाइज करिए, आप खुद को प्राउड फीलिंग एक दीजिए कि हाँ हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। अगर ये फीलिंग हमें आ गई तो बेशक हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। 100% सिर्फ एक ही ऑप्शन है सक्सेसफुल होने का, कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करें, और जितनी भी मेहनत करें हमें उसके लिए प्राउड होना चाहिए कि हमने हमारा 100% दिया है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और हम जल्द ही वापस मिलेंगे अगले ट्रेनिंग सेशन के साथ। तो तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार वालों का ध्यान रखिए, गुड डॉट खाइए, लोगों को गुड डॉट खिलाइए, और सबको अवेयर पहुंचाइए। हम सबका आहार शाकाहार। जय RCM, जय RCM सर।